अगर ये वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग बहुत फोकट लोगों को देखने वाले हो। नहीं, मैं सबसे ऊपर हूँ, बहुत ऊपर। इतना हो चुका है, उतना बहुत लग रहा है मुझे तो अभी तक। तब नहीं दिखाना होता, तब नहीं दिखाना। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता आप क्यों देख रहे हो, बस हम कुछ भी नहीं पता हम यहाँ क्यों हैं। ये मेरी गाड़ी भी नहीं है, ये गाड़ी मेरे पास होती भी नहीं है, मेरी खुद की गाड़ी, लेकिन मेरे पास भी नहीं होती है, मेरे पास गाड़ी नहीं है इन जनरल। तो हम बस निकल गए हैं कि कुछ करना है, क्या करना हमें नहीं पता, क्यों देख रहे हो आप फैसला कर लो। बाकी जो है, अगर आप हमारे दोस्त हो तो आपकी मजबूरी है, लेकिन नहीं तो हमें सही में नहीं पता क्यों देख रहे हैं। अभी 6 बज रहा है शाम का, और अब हम देखने चाह रहे हैं कि शहर में बचा क्या क्या है, लोगों ने हर घर तिरंगा को फॉलो किया भी है, कोई ज्वाइन हुआ है नहीं हुआ, उसके अलावा शहर में क्या क्या है हमें नहीं पता, क्या कर रहे हैं बस कर रहे हैं। चल आप भी बस देखो। यहाँ पे दो मित्र मौजूद है, एक है प्रणव, डीजे प्रणव, हेलो भाई, और दूसरे सूर्यांश गिरी। तो ये लोग आए थे, इनने बोला कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो मैंने कहा अपने नाम के अलावा मुझे और मतलब और बड़ा और आगे पहुंचना है, तो चलो कुछ करते हैं। और ये भी अपना कुछ ब्लॉग बना रहे हैं, तो मैंने कहा इसी बार में मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो अब निकल चुके हैं, आज इंडिपेंडेंस डे है, गाइस प्लान था कि सब लोग साथ में काम करेंगे, ये भाई ने चैनल बनते बनते दूसरा चैनल बना लिया है, समझ में नहीं आ रहा इसको बुलाया क्यों है हमने। हाँ तो तालिब ने अपना अलग से एक चैनल खोल लिया है वहीं पे बैठे बैठे, तो इस वीडियो से उनको हटा ही देते हैं, कट कर देना, सटल कट कर देना, लगा देना वो जो पीड़ित लोगों के लगाते हैं ना एथिक्स जर्नलिज्म के, ऐसा वो ब्लैक कर देना। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो बनाने का प्रोसेस हमारे लिए काफी डेंजरस है, क्योंकि हमें बहुत लोगों से गाली पड़ सकती है, तो काफी खतरा मोल लेके हमने किया है, तो पूरी जरूर देखिएगा। आपने देखा है कि गांव में कितने लोग होते हैं, और जैसे कोई सरपंच बनना चाहे तो उसे कितनों के वोटों की जरूरत होती है, वैसे हमारा एक गांव है दोस्तों का, और उस गांव में से कुछ 3 घर निकल के आए हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं, बाकी गांव को पता ही नहीं है। और जब बाकी गांव को पता चलेगा तो गांव सरपंच की तो बस हम ये सोच रहे हैं हमारे गांव का गोदाम ना हो जाए और हम बच जाए। क्योंकि हमारे दिमाग में एक दूसरे के साथ ही काम करना क्यों शुरू हुआ, तो आप समझिए एक सीधी लाइन खींचिए, ए फर्स्ट पॉइंट है, फिर बी और बीच में सी, तो मैं और सूर्यांश रहते हैं ए और बी, बिल्कुल एक दूसरे के शहर के जो कोने में, शहर के दो कोने समझ लीजिए, उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना तो वहाँ हमारे घर है, और शहर के बीच में भी नहीं कहेंगे, एक दूसरे साइड के कोने पे तालिब भाई का घर है। तो ये हम काफी पास पास रहते, तो हमने कहा बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ है तो मिल ही लेते हैं। चलिए अभी आगे और दोस्तों को भी जोड़ेंगे, हम 3 लोगों की मदद कर चुके हैं, तो 3 लोग यहाँ पे हो गए, अब फिर आगे जाके और लोगों से बोलेंगे कि वो आगे और 3 लोगों को जोड़े, तो यही सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरे मुंह में ही घुस जाएगा क्या कैमरा लेके। भाई किस्मत इतनी अच्छी है, कहने को शहर में जाम नहीं लगता भोपाल में, पर ये 2 लोग निकले हैं, हम तीनों मिलकर काम करने निकले, सामने देखिए इधर जाम लगा हुआ है, वहां हमें जाना नहीं है, वहां रोड खाली पड़ी कोई जा ही नहीं रहा है, वहां जाना है, पूरी भीड़ वहीं जाने के लिए तैयार बैठी, और वो वहां लोग जा भी नहीं रहे हैं, बस खड़े हुए कि ये लोग जा रहे हैं तो इनको लेट करवाना है। ये लड़ाई हो गई है दोनों बाइक वालों में, तो अभी वो देखो हेलमेट वाला धमकी दे रहा है, तेरे जैसे हम लड़ाई देखने बैठे हैं, चले गए यार। कंटेंट चाहिए।
गाइस आगे एक बंदे ने एक गाड़ी वाले को ठोक दिया, लेकिन ये लोग लड़ नहीं रहे हैं। मतलब आज पूरी दुनिया ने मान दिया है कि ये कंटेंट ढूंढने निकले हैं, तो इन्हें नहीं देना है कंटेंट। नहीं भाई, आज आज पीस का माहौल रहेगा, लड़ाई झगड़े आजादी में रहेंगे आज। हाँ तो गाइस आज का प्लान ऐसा बना कि मैं घर पे अपना पबजी खेल रहा था, ये जो पीछे बंदा है इसके साथ, और मैं हो गया था नॉकआउट। उतने बीच में मेरे पास फोन आता है इस बंदे का, ये मुझसे घर पे कहता है कि क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं। कहता कोई काम? मैंने कहा कभी नहीं होता। तो कहता चला घर से मोटिवेशन मिल गया है, अपन बकर करते हैं। अब बकर करनी है तो मोटिवेशन की क्या जरूरत? कहता अरे नहीं, बकर करके हम डालेंगे यूट्यूब पे। मैंने कहा रुक जाओ, अभी मैच चल रहा है, मेरे को मैच में जाने दो, फिर बात करता हूँ। मैं मैच में आया, ये भाई साहब चिकन डिनर निकाल के ऑफलाइन हो चुके हैं। अरे हाँ, मैंने MVP चिकन डिनर निकलवाया मैंने ऐसे बहुत अच्छा, सेवलोन की तरह दो लोगों पे गाड़ी चढ़ाई। भाई साहब ने स्मोक में गाड़ी डाल दी और उसमें नॉक भाग गया बंदा स्मोक में, और फाइनल भी जो मारा मैंने गाड़ी चढ़ा दी। देखे और गाइस ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना वो पबजी की बात नहीं है, वो क्या है असली इंसिडेंट मत बता। ये हाँ, ये सब ऐसा बह गए बातों में, गेम दूसरा है। नाम बनाते ही बताता हूँ, नाम बनाते ही बताता हूँ, पबजी नहीं था। रास्ता बंद कर दी। ब्रेकिंग न्यूज, VIP का हुआ रास्ता बंद। कैसे जाएंगे? हमें जाना था उस तरफ और रास्ता बंद हो चुका है फिलहाल, तो अब देखते हैं ये बैरिकेड तोड़ के चलना। अच्छा जाम लग रहा है गाइस, आज के दिन कोई सा गुनाह करने की आजादी है क्या तो मैं ये तोड़ू? मेहनती व्लॉगर लोग हैं हम, ठीक है। हमें आपको व्यू देना था तो हम घूम के जा रहे हैं, पर हम जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ही डेडिकेशन। हाँ, जाम में फंसने का डर नहीं है, फंस ही जाएंगे ना, पेट्रोल कम पे है, गाड़ी बंद हो जाएगी, धकेलेंगे नहीं। ओरे ओरे ओरे, ये क्या भाई? गाइस पहला व्लॉग ही आखिरी होगा मुझे लग रहा है। देखिए बात में कोई गलती नहीं है, वो कट मार के गया लेफ्ट से। आदमी कैमरे में देखेगा तो क्या होगा? कब देखा? देख ही नहीं रहा था, सामने देख रहा था, तभी तो दिख गया। देखो सबको कट मार के जा रहा है, देखो सबको कट मार के जा रहा है। राजू टी स्टॉल, अरे क्यों फेमस कर रहे हो? ऑलरेडी फेमस चीज है, फ्री की पब्लिसिटी नहीं करेंगे हम किसी। तो ये है शाही दरबार। अच्छा गाइस एक रैंडम थॉट आया है मेरे दिमाग में, ये जो आदमी है कार चलाते वक्त ब्लॉगिंग कर रहा है, ये हिंदुस्तानी भाव नहीं लगता आपको? अरे ये क्या प्रेशर है भाई? देखो ये मेरे साथ हमेशा से होता है, मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे लोगों ने सीधे अर्णब गोस्वामी घोषित ही कर दिया कि तू तो है। मैंने कहा है कैसे होता है, सेम दिखता है है ना, और अब ये हिंदुस्तानी लोग बना रहे हैं। ये चीज मुझे अभी थोड़ा ऐसे दिखने वाले मेरे को रोज के 16 दिखते हैं। तो फिर सोच, फिर सिमिलर कैसे हुए? फिर तो अलग हुए ना, कॉमन हुए तो है ना। ठीक है भाई, आम आदमी है हम, देश की आम पब्लिक है हम, ऐसे कैसे उंगली उठा रहे हो तुम ऐसे चाकू लग भी तो झंडे का है What is this behavior, भाई? क्या इतनी खराब किस्मत है क्या अपनी? क्या मतलब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सही होता है? तो अब हम दिखाने आए थे तो पता चला कि ट्रैफिक है और झंडे सारे उतार दिए गए हैं। अरे कंफर्म नहीं है ये, मतलब हाँ अभी तक तो दिखे नहीं है, वैसे दिख जाने चाहिए अभी तक, बट अगर दिखते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। और ट्रैफिक की जो हालत, ये ब्लॉग में ब्लॉग क्यों हो रहा है? ये ब्लॉग में ब्लॉग क्यों हो रहा है? ये ब्लॉग मैं कॉपीराइट मार दूंगा। किस बात का मारेंगे? मैं मार दूंगा, आप हमारा कंटेंट चुरा रहे हैं भाई साहब। नहीं मैं आपका कंटेंट नहीं चुरा रहा, आप हमारा आदमी भी चुरा रहे हो। अपना आईडिया आपका थोड़ी ना चुरा रहा, मेरा ब्लॉग अलग होगा, नहीं देखेंगे हम। उतर उतर गाड़ी से, उतर। ये देखिए ऐसा ऐसा चलती गाड़ी से उतर किया जाता, झंडे दिख गए झंडे। गाइस तालिब भाई को बम्बल पे मैच आ गया है, उसकी हम इनको शुभकामनाएं देते हुए। फाइनली बस अब ये देखना है कि वो लड़का ना निकले। फेक आईडी भी हो सकती है ए भाई, देखो लेकिन देखो प्यार जेन्युइन होता है, अगर लड़के का भी हुआ तो वो मना थोड़ी ना करे।
लाइक आई एम ओपन टू ऑल बट यहाँ लफड़ा होते हुए कांच ना लगाने पे। अरे तो भाई आगे होता है ना, अखंड आदमी पीछे बैठा था, दोनों साइड के कांच खोले और उतर के कहता आगे से लगा देना। जब पीछे मैनुअल कांच है तो आगे से कैसे लगेंगे आप बताइए। आगे वाला भी आदमी तो अखंड ही है। ऑटोमेटिक पावर विंडोज तो इग्नोर हुए यहाँ पे। हम वो आदमी हमसे मिलने आ रहा था, ये आदमी चले वापस चलते हैं अपने से तो मिलने कौन नहीं आ रहा। ओके तो लव इशू से मिल के आते हैं। राइट होते हैं निकल ये हमारे इशू भाई आते हुए। हेलो इशू भाई, ये भाई हम निकल रहे हैं, हम ब्लॉक कर रहे हैं। हमारा स्टार्ट ही हुआ था कि हमें नहीं पता आप क्यों और हमें भी नहीं पता हम यहाँ क्यों हैं, बस हम हैं और आप देख रहे हो तो आप जवाब ढूंढ लेना। मैं तो पबजी खेल रहा था, मुझे तो पता नहीं, मुझे सडन नोटिस पे आता है। मुझे लगा बेइज्जती हो रही है ना, जाओ। मुझे अभी अभी लगा कि बोल के जा रहा है कि है। कट कर देना। देखो इन्हें ये है ओ सिर की भूमि। एक कॉपीराइट आ जाएगा। ये वो इंसान है जो मैकडी पे बर्गर खाने पे मेरे को गली आते हैं और उसके बाद खुद शाही दरबार पे आइसक्रीम पी लेना है रात के 2 बजे। फालूदा टू बी करेक्ट, महंगी चीज होनी चाहिए जोसी भी हो। और आइसक्रीम एक ये भाई, एक ये भाई आइसक्रीम नहीं जिलेटो। और हमने खाई थी आलू टिक्की मैक की 55 रुपए विद टैक्सेस। 55 रुपए विद टैक्सेस, टैक्सेस के पहले और कम होता है। बताया गई थी पूरी न्यूज कि क्यों स्टोरी क्यों हुआ था तो मैं पता थी ना, नहीं तो दूसरों को भी ना बोले ना, नहीं तो दूसरों को भी खिलाएं साथ में। देखो बोलने के बाद संयम भाई से कोई कुछ नहीं कहेगा, संयम भाई वैसे ही बहुत कुछ सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अभी कुछ दिनों से कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो। चलना नहीं बताओ कार वो खड़ी है, 5 लोग हैं, चलता अराउंड 3 घंटे हो गए निकले हुए लेकिन अभी तक यही डिसाइड नहीं है कि चलना कहाँ है। क्यों कर रहे? क्योंकि शर्म इंसान में होनी चाहिए। तुम नहीं, तुम इंसान नहीं हो। नहीं मैं इन सबसे ऊपर हूँ, बहुत ऊपर। तो लास्ट डेस्टिनेशन वल्लभ भवन कवर करी है और आधा दिन, आधा क्या पूरा ही दिन ट्रैफिक में निकला है। आधे दिन पे शुरू किया था, आज सब जगह ट्रैफिक की पब्लिक ही निकल गई है रोड पे, ऐसा लग रहा है। पता नहीं आजाद हुए तो घर में नहीं रहना है शायद, ये लेके चल रहा हूँ। पूरा मुंबई वाला फील आ गया, पानी, ट्रैफिक, गड्ढे, तन्हाई। सबने 75वें इंडिपेंडेंस में क्या क्या किसने किया सब देखने लिख लें, खुद से किसी ने किया कि नहीं किया वो नहीं पता, बट काफी कुछ था शहर में देखने को। गाड़ियां तो सबने चलाई, गाड़ी चलाई नहीं है, गाड़ी लेकर रोड पे खड़े हुए कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे।
मतलब ये जो रूट है ये 2 घंटे में कवर होना चाहिए था, इसके लिए 4 घंटे लग चुके। 5 बजे निकले थे, 10 बज रहा है। काफी जल्दी कवर किया है हमने। अब हमें जहाँ जाना है वो है पहले इस आदमी के घर और फिर इसके घर, जो आज हमने सब किया है वो देखना। तो अब आप टाइम देखिएगा कि इसका घर पहुंचने में हमको टाइम कितना लगता है और कितना डिस्टेंस है। तो टाइम हो रहा है 10:31। अब आप देखिएगा कि इस आदमी का जो घर है वो कितना करीब है, हम कितना पास पास रहते, कितना भाईचारा है हमने। डू विजिट हाँ मत जाना। बताइए भाई वक्त क्या हो रहा है, भागिए मत ऐसे नजरें चुरा के। ये हो रहा है कुछ 23:24 भाई, क्या आदमी का घर बहुत भाई 10:31 पे पिछला अपडेट था, उसके बाद हम 10:45 पे ये तालिब भाई के घर से निकल गए थे। आप समझ लीजिए इसके घर आना पड़ा और अंधेरे में सड़क खुदी हुई है, कहाँ से नहीं पता, कुछ नहीं पता है, बस पहुंचे हैं किसी तरह। फिर भी 4 व्हीलर पे थे, मैं 2 व्हीलर पे। अबे तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो घंटे याद है तुम्हारे घर के। ये देखिए ये कमरे में लाइटिंग लगा के रखी है भाई ने, पूरी सिनेमैटिक स्टूडियो बना के रखा है। हाँ ये फुल सिनेमैटिक, ये नीली है, सफेद दिख रही है, ये लाल तो दिख रही है आपको, ये भी सफेद हो गई। आदमी बजट तो काफी मुश्किल दिन। तो हाँ, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, घर आ चुके हैं, दिन का खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और डेट भी चेंज होने ही वाली है थोड़ी देर में, तब तक हम सोच रहे हैं कि एडिट करते हैं बिना प्लान किए। काफी कुछ प्लानिंग करी थी रास्ते में कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर किस्मत है, आप देख लेना, मतलब देख लिया होगा अब तक। हाँ, तो कैसा लगा वो बता देना, और बुरा लगा तो मत बताना, थोड़ा सा बुरा लगे थोड़ा चाहिए दिल में रखो, थोड़ा अपने बाजू वाले बोलना ही पड़ता। और जैसी हमारी किस्मत है हमें आगे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला, जब हम काम करते निकलते नुकसान हो जाता है। तो यही था मुश्किल दिन, गाड़ी पे ही निकला है, 1000 का तेल जला चुके हैं सुबह से, 1000 का तेल 500 का को कट कर दे। बाय गाइस। चंदा मामा से भी प्यारे हैं ये हमारे मामा मामी, कट कर दे।